नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लालची सेनापति। लालची सेनापति, संपादक देवकी नंदन शर्मा, लेखक अशोक चावला, चित्रांकन शेष। अलकापुरी का राजा चंद्रसेन प्रतापी और विवेकशील था। वह गरीबों व पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखता था। महामंत्री, भविष्य में राज्य के लिए जो भी योजनाएँ बनाई जाएँ उनमें गरीब एवं पिछड़े वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा महाराज। पिछड़े वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए। जो आज्ञा महाराज। तभी एक दरबारी राज दरबार में दाखिल हुआ। महाराज, कुछ ग्रामीण फरियाद लेकर आए हैं, उन्हें दरबार में पेश किया जाए। दुहाई है महाराज। क्या बात है प्रजाजनों? महाराज, इस बार हमारे देश में वर्षा बहुत कम हुई है, इसलिए फसलें भी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, रुक क्यों गए? महाराज, इस बार फसलें कम हुई और जमींदार ने हमें अनाज देने से मना कर दिया। महाराज, उनका कहना है कि यदि हमने तुम्हें अनाज दिया तो हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। क्यों? उसी क्षण राजा ने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आप तो बता रहे थे कि जमींदार के गोदामों में बहुत अनाज भरा पड़ा है। जी महाराज, मैंने उसके गोदामों को स्वयं देखा है। महाराज, वह बड़ा निष्ठुर है, उसके दिल में जरा भी दया नहीं। आप अन्नदाता है महाराज, अगर हमें अनाज न मिला तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। घबराओ नहीं, हमारे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको भर पेट अनाज मिलेगा। महाराज की जय हो। राजा चंद्रसेन की जय जयकार करते सारे ग्रामीण चले गए। महाराज अन्नदाता हैं, महाराज दयालु हैं, महाराज चंद्रसेन की जय। अगले दिन राजा ने जमींदार को दरबार में बुलाया। महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। हुक्म करें जमींदार साहब, किसानों ने तुम्हारी शिकायत की है हमसे। मुझसे क्या भूल हो गई महाराज? भूल नहीं, तुमने उन गरीबों का हक दबाकर उनके साथ अन्याय किया है। मैं समझा नहीं महाराज, तुमने उन किसानों को अनाज क्यों नहीं दिया जो खून पसीना बहाकर तुम्हारे खेतों में काम करते हैं? इस बार फसल इतनी कम हुई है महाराज कि मेरे परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होगा, और यदि उन गरीबों को अनाज न मिला तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। राजा चंद्रसेन गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद, महामंत्री जी, इस जमींदार के तमाम गोदाम खुलवाइए और प्रत्येक किसान को उसकी इच्छा अनुसार अनाज दिलवाइए। जी महाराज, मगर हमारे राज्य का कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन महामंत्री सैनिकों को लेकर जमींदार के गोदाम पर जा पहुँचे। जिसको जितना अनाज चाहिए ले ले। बस महामंत्री जी, हमें इतना ही चाहिए। बस करो कमबख्तो, मेरे गोदाम खाली करोगे क्या? हाय, मैं लुट गया। जमींदार जी, रोते क्यों हो? गोदाम तो पुनः भर जाएंगे, यदि कोई भूखा मर जाता तो? संभालिए अपने गोदाम, अब हम चलते हैं। अब क्या संभालूं महामंत्री जी, आपने तो सभी खाली कर दिए। सिपाहियों, चलो। चलिए महामंत्री जी। राजा चंद्रसेन शूरवीर थे, उनकी वीरता की प्रशंसा पड़ोसी राजा भी करते थे। राजा चंद्रसेन महान है, इसमें कोई शक नहीं महाराज। राजा चंद्रसेन सदा अपने पड़ोसी राजाओं की सहायता करने को तत्पर रहते। मंत्री जी, हमारे पड़ोसी राज्य भी पूरी तरह खुशहाल तो है ना? महाराज, हर तरफ कुशल मंगल है, प्रत्येक राजा आपके शौर्य और दानवीरता की प्रशंसा करता है। एक दिन, राजा धीराज महाराज की जय हो। कहो क्या बात है? महाराज, जूनागढ़ के नरेश राजा दलीप सिंह पधारे हैं। ओह, जूनागढ़ नरेश जरूर किसी मुसीबत में होंगे। जूनागढ़ नरेश को आदर सहित सत्कार भवन में लाइए, हम वहीं पहुंचते हैं। जो आज्ञा महाराज। सत्कार भवन में, महाराज चंद्रसेन की जय हो, जूनागढ़ नरेश की जय हो। महाराज, आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। मुझे भी राजन। और सुनाइए दलीप सिंह जी, राज्य में सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज, मेरे राज्य में अमन चैन तो है, लेकिन कुशल? क्यों, क्या हुआ? जो भी बात हो निसंकोच कहिए। महाराज, इसलिए तो आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया? नहीं महाराज। तो क्या कोई सैनिक क्रांति हो गई? ये बात भी नहीं महाराज। तो फिर क्या हुआ? महाराज, आप तो जानते ही हैं, मैं सदैव आपके पास सहायता के लिए ही आता हूँ। हाँ हाँ, बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अकाल पड़ गया महाराज।
राज्य के सभी गोदाम खाली हो गए, दाने दाने के लाले पड़े हैं, जनता भूख से तड़प रही है महाराज। आप चिंता न कीजिए राजन, जहाँ तक होगा हम आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद महाराज, इसलिए मैं आपको कष्ट देने चला आया। कष्ट कैसा राजन, पड़ोसी राज्य की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। महाराज का इकबाल बुलंद हो, अगले साल यदि फसल अच्छी हुई तो सारा अनाज वापस लौटा दिया जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं राजन। उसके बाद दरबार में, हमारे राज्य के गोदामों में कितना अनाज है महामंत्री? कोई विशेष अधिक नहीं महाराज, जितना है वो सैनिकों व सभासदों के लिए भी कम पड़ेगा। ओह, लेकिन हम तो जूनागढ़ नरेश को वचन दे चुके हैं। आप चिंतित न हो महाराज, राज्य के जमींदारों के तमाम गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, उनसे लेकर हम जूनागढ़ अनाज भेज सकते हैं। महाराज, उनकी भरपाई बाद में कर दी जाएगी। मंत्री जी, आप वाकई बुद्धिमान हैं। मंत्री जी, जल्दी से जूनागढ़ भेजने के लिए अनाज इकट्ठा करवाइए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन राज्य के तमाम जमींदारों के गोदाम खुलवा दिए गए। तुम्हारे गोदाम में कितने बोरे अनाज है जमींदार? जी 3,000। ठीक है, तुम 1,500 बोरे दो। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, महाराज का आदेश है। पहले वाले जमींदार के गोदाम पर पहुंचे। जमींदार जी, अपने गोदाम खुलवाइए, हमें और अनाज चाहिए। परंतु महामंत्री जी, मेरे पास और अनाज नहीं है, पहले ही मैं किसानों को बहुत दे चुका है। या नहीं, यह देखना हमारा काम है, आप गोदाम खुलवाइए। महामंत्री जी, मैं कंगाल हो जाऊंगा, आप मुझे क्यों तबाह करने पर तुले हैं? सिपाहियों, ये गोदाम खोलो, अगर यह न खोलने दे तो इन्हें बंदी बना लो, महाराज के आदेश का पालन होगा। दया कीजिए महामंत्री जी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हम तुम्हारे गोदाम खाली नहीं करेंगे। इस प्रकार राज्य के सभी जमींदारों से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया गया। अगले दिन अनाज के बोरों से भरी लगभग 50 बैलगाड़ियां जूनागढ़ के लिए रवाना हो गई। महाराज, आपने जो उपकार किया है उसे मैं तो क्या, जूनागढ़ की जनता भी कभी नहीं भूल पाएगी। छोड़िए राजन, यह तो हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अच्छा महाराज, अब हमें आज्ञा दे। राजन, जी तो नहीं चाहता कि इतनी जल्दी भेजो, लेकिन उसके बाद राजा ने जूनागढ़ नरेश को आदर सहित विदा कर दिया। शाम को राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी के महल में पहुंचे। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज। बधाई, लेकिन खुशखबरी क्या है दासियों? महाराज, रानी जी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। पुत्र कहाँ है, हमें उनके पास ले चलो। आइए महाराज, महारानी जी शयन कक्ष में हैं। शयन कक्ष में। रानी साहिबा, बधाई। बधाई आपको भी। हमारा राजकुमार कितना प्यारा है, बिल्कुल आप पर गया है। अरे रे, रोता है, ही ही ही। हम ये खुशखबरी दरबार में सुनाते हैं। जी महाराज। लेकिन दरबार में सबको पहले ही मालूम हो चुका था। बधाई हो महाराज, बधाई, बधाई हो, बधाई। हमारी तरफ से भी सबको बधाई हो महामंत्री। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, आज्ञा दे महाराज। राज पुरोहित को बुलवाइए, कल राजकुमार का नामकरण होगा, राज्य के सभी गरीबों को खुले दिल से दान दिया जाएगा और उनके लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन हो। जो आज्ञा महाराज। अगली सुबह, महाराज राजकुमार का नाम विक्रम सेन निकला है। विक्रम सेन, बहुत प्यारा नाम है। उसके बाद राज्य के सभी गरीबों को दान और भोजन दिया गया। राजकुमार चिरंजीवी हो, महाराज की जय हो, राजकुमार विक्रम सेन की जय। दिन बीतते गए और राजकुमार बड़े होते चले गए, और जब विक्रम सेन की आयु 5 बरस की हुई, रानी जी कल से हमने राजकुमार की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दिया है। क्यों नहीं, विक्रम सेन अब बड़ा भी तो हो गया है। राजगुरु विक्रम सेन को शिक्षा देने लगे। राजकुमार मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करो, ताकि तुम भी अपने पिता की तरह एक महान सम्राट बन सको। जो आज्ञा गुरुदेव। शिक्षा के साथ साथ राजगुरु उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं में भी माहिर करने लगे। कुछ ही वर्षों में विक्रम सेन तमाम कलाओं में निपुण हो गया। राजकुमार, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। उस उड़ती चिड़िया को मार गिराओ। जो आज्ञा गुरुदेव। शाबाश, अब इस बिगड़े हुए भैंसे पर काबू पाओ। राजकुमार ने बिगड़े हुए भैंसे पर काबू पा लिया। लीजिए गुरुदेव,
अब मेरे लिए और क्या आज्ञा है? शाबाश बेटा, तुम निपुण ही नहीं बहादुर भी हो। अब तुम्हारी एक परीक्षा, वो भी दीजिए गुरुदेव। तुम्हें मेरे साथ तलवारबाजी करनी होगी। नहीं गुरुजी, मैं आप पर वार नहीं कर सकूंगा। याद रखो बेटा, युद्ध में कोई भी रिश्ता नहीं चलता। क्या महाभारत की कहानी भूल गए? नहीं गुरुदेव, मुझे कौरव और पांडवों की कहानी याद है। लेकिन तो फिर सोचते क्या हो, उठाओ तलवार। बचाइए गुरुजी, और ये मेरा वार। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे। बस बेटा बस, तुम उत्तीर्ण हुए, वैसे भी मैं थक गया हूँ। देख रही मेरी तलवारबाजी? शाबाश बेटा, अब मैं गर्व के साथ तुम्हें महाराज के पास ले जा सकूँगा। लेकिन पहले राजनीति की बातें भी सीख लो। बताइए गुरुजी, सुन रहा हूँ। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, निहत्ते पर कभी वार मत करो, और कमजोर को कभी मत सताना, हमेशा न्याय का पक्ष लेना। राजगुरु कई दिन तक विक्रम सेन को राजनीति के गुर सिखाते रहे, समझे राजकुमार? जी गुरुदेव, सब कुछ समझ गया। मैं आपकी दी हुई शिक्षा कभी नहीं भूलूंगा। फिर एक दिन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई राजकुमार, कल से तुम भी राजकाज में पिता का हाथ बटा सकते हो। जी गुरुदेव। राज दरबार में, आइए गुरुदेव, प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन। पिताजी प्रणाम। आओ बेटा। युवराज बड़ा परिश्रमी है राजन, इसने इतनी जल्दी शिक्षा ग्रहण की जिसे देख मैं स्वयं चकित रह गया। सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। पिताजी, गुरुदेव ने स्वयं मुझ पर कृपा की है। आसन ग्रहण करें गुरुदेव, और मुझे सेवा का अवसर दें। राजन, हमारी सेवा इसी में है। अब जितनी जल्दी हो सके युवराज को राजगद्दी सौंप दो। मैं तो अब मुक्ति चाहता हूँ गुरुवर, कुछ परलोक भी संभालूं। उत्तम विचार है राजन, आने वाली पूर्णिमा को विक्रम सेन को राजपाट सौंप दो, और रानी के महल में। माताजी प्रणाम। अरे विक्रम सेन बेटा, तू तो मुझसे भी ऊंचा हो गया, जरा नीचे को झुक, तुझे आशीर्वाद तो दे दूं। पूर्णिमा से एक दिन पहले, मंत्री जी पूरे राज्य में घोषणा करवाइए, कल युवराज का राज तिलक होगा। जो आज्ञा महाराज। इसी उपलक्ष्य में एक बड़े उत्सव का भी आयोजन कीजिए, राज्य भर से कलाकारों को बुलवाइए, पड़ोसी राजाओं को भी निमंत्रण भेज दीजिए। हम युवराज को बड़ी धूमधाम से राजगद्दी सौंपना चाहते हैं। सारा इंतजाम आपकी इच्छा अनुसार होगा महाराज। सुनो सुनो सुनो, कल युवराज का राज तिलक किया जाएगा। आप सब भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में राजभवन पहुँचे। हैं, युवराज का राज तिलक? यदि राजा ने उसे राज सौंप दिया तो मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजा और महामंत्री तो बूढ़े हो चले हैं, आखिर राजगद्दी का हकदार तो मैं ही हूँ। लेकिन यह सब होगा कैसे? मुझे कोई षड्यंत्र करना होगा। परंतु क्या? तरकीब। शाम होने तक पूरे राजवासियों को युवराज के राजा बनाए जाने का समाचार सुना दिया गया। सुना है राजकुमार अपने पिता के समान बड़े शूरवीर हैं। मैंने भी यही सुना है। अरे सुना ही नहीं, मैंने तो देखा भी। क्या निशाना है, क्या वार करते हैं। लेकिन रात को, मैं विक्रम सेन हूँ सेठ। विक्रम सेन? कौन विक्रम सेन? विक्रम सेन आज के युवराज, जो कल राजा बनेंगे। वो ठीक है, लेकिन ये डरो मत सेठ, हमें अपनी तिजोरी में रखे आभूषण दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मेरे पास तिजोरी ही नहीं है, तो फिर आभूषण कहाँ से आए? साला बकवास करता है। मैं सच कह रहा हूँ युवराज। तू झूठ बोलता है सेठ, जल्दी बता कहाँ है तिजोरी, नहीं तो मैं तेरा टेंटुआ दबा दूंगा। मेरा यकीन करो युवराज, मेरे घर में कोई तिजोरी नहीं है। नहीं है तो ये ले, हाय, और ये मेरी तरफ से। मत मारो, मत मारो मुझे, मैं मर जाऊंगा। मरना नहीं चाहता तो बता कहाँ है तिजोरी, कहाँ है आभूषण? वो सामने है। वाह, इतनी बड़ी तिजोरी, माल भी बहुत होगा। चाबियां निकाल, ये लो, और मेरी जान बख्शो। खोलो इसे और जल्दी से सारे जेवर और नकदी झोले में भर लो। जी हजूर, कमबख्तों ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी। इसमें तो बहुत माल है हुजूर। देखो मत, जल्दी से भर लो। अच्छा सेठ, महाराज इस दुष्ट को राज तिलक करेंगे? हम कमीना। फिर वे एक अन्य सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ, कल से मैं राजा बन जाऊँगा। इस उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव है, खर्चा बहुत होगा,
इसलिए अपनी सारी नकदी और जेवर हमें सौंप दो। लेकिन युवराज, लेकिन वेकिन छोड़ो और जल्दी करो, हमारे पास बहुत काम है। राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं, राजकोष खाली हो गया क्या? हाँ, तुम्हारी तिजोरी कहाँ है? ये रही युवराज, सिपाही खोलो इसे और सारा माल निकाल लो। उसके बाद उन्होंने तीसरे सेठ को भी लूटा और यह सिलसिला जब खत्म हुआ तब तक राज्य के सभी नामी सेठ कंगाल हो चुके थे। इस कारण सब के मन में रोष था। कंबख्तों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया, बुरा हो दुष्ट का, राज तिलक से पहले ही मर जाए तो अच्छा है। अच्छा राजकुमार है, बजाय जनता की सेवा करने के उल्टा हमें लूट गया। कमीने ने एक ही रात में मुझे कंगाल कर दिया, सुबह होते ही राजा से शिकायत करूंगा। लेकिन विक्रमसेन की लूटपाट जारी थी। सिपाही, यह रथ किसका है? ये तो अपने महामंत्री का रथ है हुजूर। रथ में महामंत्री की पत्नी और बेटी विराजमान है, इन्हें जाने दीजिए, सरकार ये राजा से शिकायत कर देंगी। शिकायत करेंगी, करने दो, यही तो मैं चाहता हूँ, ताकि राजगद्दी मुझे मिले। लेकिन यह उचित ना होगा हुजूर। मुझे उचित व अनुचित मत सिखा, जल्दी से रथ रोक और उनके सारे आभूषण छीन लो। ए ए रथवान, रथ को रोको। विक्रमसेन, तुम इतनी रात गए यहाँ? हाँ माँ जी, काम ही ऐसा था कि मुझे इतनी रात गए करना पड़ा। माता जी, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। कहो, क्या काम पड़ गया तुम्हें आधी रात को? मुझे आप दोनों के सारे आभूषण चाहिए। कल मेरा राज तिलक है ना, इसलिए धन एकत्र कर रहा हूँ। यह कौन सा तरीका है धन एकत्र करने का? क्या राजकोष में धन खत्म हो गया? माता जी, जरूर कोई गड़बड़ है। रथवान, गाड़ी चलाओ। नहीं रथवान, जब तक ये दोनों अपने आभूषण ना दे दे, रथ आगे मत बढ़ाना। बेटी, और कोई चारा नहीं, इन्हें आभूषण दे दो। परंतु माता जी, जल्दी करो, अभी हमें जमींदारों को भी लूटना है। मैंने सुना है उनके पास भी बहुत माल है। लेकिन हुजूर, रात बीत रही है। जमींदार के घर, जमींदार अपना सारा नकदी और जेवर युवराज को सौंप दो। हम्म, अजीब धांधली है, पहले तो सिर्फ अनाज छीनते थे, अब नगद नारायण भी। लेकिन क्यों? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, अगले मास मेरी बेटी की शादी है, मैं क्यों दूं अपना माल मत्ता? कैसे नहीं देगा, हमें लेना आता है। शाबाश, तुमने तो एक ही वार में काम कर दिया। उसके बाद उन्होंने बाकी जमींदारों को भी लूटा और सुबह होने से पहले अपने घर जाकर सो गए। और सुबह दरबार लगते ही महाराज गजब हो गया। क्या हुआ महामंत्री? महाराज, युवराज ने राजपाट संभालने से पहले ही गुल खिलाना शुरू कर दिया। हम समझे नहीं महामंत्री। युवराज ने तमाम धनवानों को रात भर लूटा महाराज। यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यहाँ तक कि उसने मेरी पत्नी और बेटी को भी लूटा। लेकिन क्यों? यह आप उसी से पूछिए महाराज। अगर ये बात है तो विक्रम सेन को बुलाओ, यदि वह अपराधी है तो उसे दंड दिया जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप चुप रहे नानी जी, हमारी नज़र में सब अपराधी एक समान हैं। उसी समय महाराज की जय हो। तुम यहाँ? बेटी सुभद्रा? हाँ पिताजी, मैंने उस सिपाही को पहचान लिया है जो रात को राजकुमार के साथ था। अच्छा, कौन है वो? वो रहा, अब खैर नहीं, पकड़ो उसे। अरे, भागता कहाँ है? मारे गए, इतनी जल्दी पोल खुल गई, भागू मैं भी। रुकिए सेनापति, आप कहाँ चले? मुझे जरूरी काम है। क्या माजरा है? महाराज, यही है वो जो रात को राजकुमार के साथ था। मेरा कोई दोष नहीं महाराज, मैंने जो कुछ भी किया सेनापति के आदेश पर किया। यही राजकुमार के भेष में रात भर सबको लूटते रहे, मुझे क्षमा करें महाराज। सेनापति, क्या ये सिपाही सही कह रहा है? जी महाराज, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, क्षमा दो महाराज, राजपाट के लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। खुश फुसाहट, हम तो शिकायत लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट गया। मंत्री जी, इस सिपाही को 1 साल का कठोर कारावास और सेनापति को देश निकाला दे दिया जाए, राजा हो तो ऐसा। गुरुवर, आप युवराज का राज तिलक कीजिए। आओ बेटा। इस प्रकार विक्रमसेन को राजा का ताज पहना दिया गया। चारों ओर जय जयकार गूंजने लगी। विक्रमसेन की जय। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।